जो हम दिल्ली में बिल्कुल नहीं कर पाते। दिल्ली में तो हमारा पूरे दिन भर में 200 कदम होते हैं। देखो सब आ गए, ये लड़की को देखो, इसको अभी नहलाया था, कितनी गंदगी हो गई। तू भी तो गंदा हो गया कितना। ये देखो पूरे गारे भर रखे उसने। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। हम तो कपूत हैं, बस वो माता का आशीर्वाद बना रहे, बस वो अपने चरणों में स्थान दे सबों को। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे। तो कल रात की पार्टी के बाद हैप्पी न्यू ईयर हो गया था, तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम ऑल। हमारी और हमारी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कराते रहे। अभी छत में काफ़ी लोग हैं, इसमें साथ नई जैकेट पहन रखी है मैंने, ये मुझे दीपू ने गिफ्ट करी है। सेम टू सेम लग रहे दोनों के दोनों, और थोड़े मोटे भी हैं दोनों के दोनों, तो दोनों को पेट बाहर आ रहा है लेकिन छुपा देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर दीपू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल चाल? बढ़िया सबको, हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। मजा आ रहा धूप सेकने में? हाँ बस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सेम सेम नहीं होगी लगभग? मैं थोड़ा हरा हो गया, आप थोड़ा वाइट हो गए। आपकी आवाज थोड़ा बैठ गई, अब असली आवाज आई आपकी बाहर। तो अभी गर्म गर्म पानी पियो, चाय पियो, सब ठीक हो जाएगा। और बाकी व्यू देखो बुढ़ाकोट विलेज का। फर्स्ट न्यू ईयर था मेरा इस बुढ़ाकोट विलेज में, देखो दैट्स सो प्रिटी। तो गाइस कल रात को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था, जो कुछ भी प्रोग्राम था, जो कुछ भी अरेंजमेंट था, सब ससुर जी की वजह से था। तो ससुर जी को दिल से थैंक यू सबकी तरफ से, पूरे गांव वालों की तरफ से, और गांव वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे डांस वांस करके। और क्यों ना हो, ऐसा माहौल तो हर किसी को चाहिए, एटलीस्ट 10 महीने में एक बार मिले, एक साल में एक बार मिले, लेकिन चाहिए सबको होता है। क्या कर दो नए साल में? अच्छा शर्मा रही है। तो गाइस सुबह के 11:20 हो चुके हैं, हम लोग आ गए नीचे गाड़ी के सामने। दरअसल अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा यहाँ से भगवती तल्या मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये रहा भगवती माता जी का मंदिर, ये देखो ये वाला, इसमें हम लोग जाने वाले हैं। वैसे तो पास ही है लेकिन हम लोग कार में जा रहे हैं। रीज़न ये है कि हम लोगों को कार दोनों वॉश करनी है, ये वाली और प्लस ये वाली, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कल यहाँ से जाना है, कल हमारी हो जाएगी विदाई। तो अभी तो फिलहाल मैं, दीपू और भैया आ रखे हैं। चले भैया, चले दीपू, स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, धूप बहुत तेज़ निकल गई और टाइम इतना हो गया। तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले मंदिर के दर्शन कर ले, वैसे भी आज नया साल है, ठीक है, तो पहले दिन ही मंदिर के दर्शन करें। वैसे डेली तो पहले खाना खा लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कुछ ना कुछ अन्न ग्रहण करेंगे। पहले माता जी का नाम, फिर अन्न का नाम करेंगे। छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ की, लेकिन बड़ी प्यारी है। देखो अभी पहाड़ सूख रखा है, इसलिए आपको पीला सा दिखाई दे रहा है, जिसमें बिल्कुल बरसात का मौसम होता है उस समय बड़ा प्यारा लगता है। देखो ये रास्ता थोड़ा कच्चा सा है, क्योंकि गांव का रास्ता है, ये पैदल रास्ता है गांव ऊपर जाने के लिए, देखा होगा आपने। ये रोड देखो कितनी प्यारी है, दूर से दिखाई दे रही होगी। अच्छा आप ऊपर पैदल आओगे? दैट्स नाइस, एक्सरसाइज होगी आपकी। ये तो यहीं रह ले मेरे साथ, आ जाइए। ठीक है, मैं अकेले आऊंगा। तो अभी हमारी एक्सरसाइज होने वाली है अच्छी खासी, वॉकिंग का, वो भी है ना, जो हम दिल्ली में बिल्कुल नहीं कर पाते। दिल्ली में तो हमारा पूरे दिन भर में 200 कदम होते हैं बस, वो भी कभी कभी मुश्किल से, कोई सीधा चढ़नी होती है बस। यहाँ तो 200 कदम तो ऊपर से नीचे हो गए। मौज मस्ती बहुत तो मज़ा आ गया ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो गाइज एक गाड़ी हमने ड्रॉप कर दी नीचे, अभी दूसरी गाड़ी के लिए आ रहे हैं मैं और भैया, और दीपू उसी गाड़ी में है अभी। ये है छोटी सी रॉल, इस साइड को निकल रही है, जो आई थिंक बस वाल नदी में मिक्स हो जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले हम यहाँ पे आए थे एक दिन, उसका भी ब्लॉग दिखाया था आपको। आसमान देखो कितना नीला है भाई, दिल्ली में इतना नीला नहीं दिखाई देता है ना। देखो सब आ गए, ये लड़की को देखो, इसको अभी नहलाया था, कितनी गंदगी हो गई। तू भी तो गंदा हो गया कितना। ये देखो पूरे गारे भर रखे उसने। कहाँ ले जाएगी? दिल्ली, नोएडा ले जाएगी इसको।
बस कर बस फेंको से समझा अपनी बच्ची को दीदी समझा अपने बच्चे को क्या हाल कर रखा है देखो आओ भाई बच्चों भाई गारे भर लिया उसने घर बनाएगी अब वो दिल्ली में दादी के साथ। तो दोस्तों हम लोग फाइनली मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं अभी दर्शन करेंगे माता जी के भगवती माता जी के बहुत नाम है और चतोड़ा भी होता है तो पिछले साल यहीं पे हुआ था चतोड़ा यही रूट था हमारा सारा और अभी हम लोग दर्शन करेंगे उसके बाद फिर भोजन करेंगे। दीदी आपने भी खाना नहीं खाया ना नहीं। तो किसी ने भी खाना नहीं खा लिया यार दीदी बहुत झूठ बोलती है कैमरे में स्पेशली ठीक है तो इसलिए मैं मंदिर लेके आया था दीदी ताकि सच बोले अब आप लोग समझ गए होंगे कि झूठा मैं नहीं झूठी दीदी है ठीक है। तो सबने खाना नहीं खाया किसी ने भी खाना नहीं खाया सिर्फ एक दीदी को छोड़ के और उसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि दीदी को बहुत भूख लगती है इसलिए तो अभी दर्शन करेंगे फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो खाना आ रहा है हमारा पीछे से या तो गाड़ी में हो तो पहले भगवती माता जी के दर्शन करेंगे जय माँ भगवती उसके बाद वहाँ पे शिवालय है देखो ये रहा शिवालय फिर भगवान शिव के दर्शन करेंगे आज सोमवार है ऊपर से फिर उसके बाद कहीं नीचे बैठ के खाना खाएंगे फिर गाड़ी भी धोनी हमें तो दोनों गाड़ियाँ जाएंगी नीचे वो जो आपको पुल दिखाई दे रहा है वहाँ पे बाकी व्यू देखो ये रहा बुढ़ाकोट गांव ये आ रहे हैं साथी लोग ये मंदिर ये देखो भगवती तल्या भगवती माता जी का मंदिर तल्या ये और बाकी आसपास के गांव। जय माँ भगवती जय माँ भगवती चलते हैं दर्शन करते हैं माता जी के जय माता दी। सबसे पहले प्रवेश द्वार पे ही काली माता विराजमान है देखो आप जय माता दी जय काली माँ जय माता दी। हमारा ध्वज लहरा रहा है और ये मेन मंदिर दरवाजे खोलते हैं ईशु जाओ जय श्री राम करो जय श्री राम करो वहां पे अंदर जाके जय श्री राम करो ये बाद में टोपी बांध लेना जय श्री राम करो जय श्री राम जाओ फूल चढ़ाओ अब यहाँ पे आके जय श्री राम करो जय श्री राम करो इधर पे आके जय श्री राम करो फूल चढ़ा दिया अब इधर पे आके जय श्री राम करो अब जय श्री राम करो इधर पे जय श्री राम करो बस बस खत्म जय श्री राम करो चलो जय श्री राम करो माता जय श्री राम जय श्री राम यहाँ पे आके जय श्री राम करो यहाँ पे करो यहाँ जय श्री राम करो करो जय श्री राम भगवान जी का नाम भगवती फूल तोड़ो फूल तोड़ो ईशु फूल तोड़ो ईशु मंदिर में आ चुके हैं दादू के साथ। गुड मॉर्निंग ईशु के दादू जी जय माता की जय हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर जी नया साल मुबारक हो सबको और शुरुआत देखो कितनी प्यारी हो रही है हम लोगों की। हाँ चलो आप दर्शन करो तो गाइस दर्शन हो गए माता जी के और काफी अच्छा लग रहा है और ये मंदिर का पूरा ब्लॉग मैंने बना रखा है ऑलरेडी जब हम लोग जतोड़े में आए थे कितना प्यारा और खूबसूरत सा मंदिर है वाओ इट्स नाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं शिवालय की तरफ तो ससुर जी आप क्या कहना चाहते हो बढ़िया है कैसा लगा आपको माता जी के दर्शन करके पहले ही दिन बस अब नए साल में जो है माता रानी के दर्शन हो गए इससे बड़ा और सौभाग्य और हम लोगों का क्या हो सकता है सभी लोगों का जगत जननी महामाई कल्याणी कुलदेवी भगवती परमेश्वरी सबका कल्याण करे सबकी रक्षा करे बस यही दुआ है सब लोग खुश रहें माँ भगवती का हमेशा आशीर्वाद बना रहे सब परिवारों पे बस यही है। एक चीज मुझे अच्छी लगी आपकी अभी जस्ट मैंने नोटिस करी जैसे ही आपने चप्पल पहन ली थी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी आपने चप्पल उतार दी क्योंकि आप माता का नाम ले रहे थे ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे बस माता रानी की कृपा है बस उसी माँ का हम तो कपूत हैं
बस वो माता का आशीर्वाद बना रहे, बस वो अपने चरणों में स्थान दे सब को। लेकिन ये शो करता है कि आपके अंदर कितनी रिस्पेक्ट है माता की। नहीं, माता की बस उसी का है, बस माता रानी की ही आशीर्वाद है, सब माता रानी की कृपा है। चलो ठीक है, आप करते हैं शिव जी के दर्शन, फिर नाश्ता करेंगे थोड़ा। चलो आ जाओ, जय माता दी। तो गाइस हम लोग पहुंच गए शिव मंदिर में, सबसे पहले नंदी जी। तो नंदी जी जहाँ पे हैं मतलब शिव भी वहीं पे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा हाथ पकड़ो, दोनों हाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम हो जूसा। तो दोस्तों कर लिए दर्शन हम लोगों ने महादेव जी के भी, अभी पुचकी का वेट कर रहे हैं हम लोग, पुचकी का वेट कर रहे हैं। अक्का अजीत का है, लाडो भूख लग गई यार बहुत तेज। हां से लाडो भी ओम नमः शिवाय बोल रहे थे ना दादू। हां ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अब जाके हम थोड़ा नाश्ता करेंगे क्योंकि सबको भूख लग चुकी है और दोपहर के खाने का टाइम हो गया। तो दोस्तों डेढ़ बज चुका है हमारे, खाने का टाइम हो चुका है और देखो ऐसे बैठ के हम लोग खाना खा रहे हैं देसी स्टाइल में। गाड़ी बंद कर दे, बंद। 2024 की पहली मील है ना। नाइस, चलो पचा देना। तो गाइस जिस मेन काम के लिए हम लोग आए थे खाना खाने के, हम लोग लग चुके हैं काम पे। हम लोग मतलब दीपू और भैया सफाई करो, 150 रुपये देगा। ज़्यादा नहीं देगा, 150 रुपये, वो भी 75 उसके 75 उसके। ठीक है भैया, चमका दी भाई गाड़ी, नहीं होना। लेकिन ये दिक्कत है कि जैसे ऊपर जाएगी वापस फिर से धूल मिट्टी हो जाएगी वापस। और अब इसको चमकाना है, पानी का सोर्स अच्छा है यहाँ पे, इसलिए बढ़िया भाई। वॉशरूम भी है, पानी भी है, ये देखो पूरा ही है। तो गाइस दोनों गाड़ियां साफ कर दी, अभी हम लोग जा रहे घर की तरफ। चलो चलो भाई।